सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है। अ लैडर ऑफ लेंथ 6 मीटर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द फ्लोर व्हाइल लीनिंग अगेंस्ट वन वॉल ऑफ अ रूम। सर बोल रहा है कि एक लैडर है जो कि 6 मीटर टॉल है, उसका जो हाइट है वो 6 मीटर, उसका जो लेंथ है वो 6 मीटर दिया है, तो और वो एक दीवार पे लगा हुआ है, जैसे कि मतलब ये दीवार है, इसके ऊपर ऐसे करके सीढ़ी लगाया है, मतलब उस पर चढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। तो सिंपल सर एक पहले दीवार बना लेते हैं, ठीक है। अब उस पर एक सीढ़ी लगी हुई है, एक सीढ़ी लगी हुई है, लगा दी सीढ़ी भी, है ना। हाँ, अब बोल रहा है कि ये सीढ़ी है ना सर, ये इसका जो लेंथ है वो 6 मीटर दिया है, तो सीढ़ी का लेंथ दिया हमको 6 मीटर, ये वाला लेंथ हमको दिया है, ये वाला लेंथ नहीं दिया, मतलब वॉल का लेंथ नहीं पता है, ठीक है। हाँ, जब वो दीवार पे लगा होता है ना जमीन से, तो वो एंगल बनाता है 45 डिग्री का, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं दिया है सर, एंगल ऑफ एलिवेशन ही दिया हम लोगों को, बहुत बढ़िया सर, फ्लोर के साथ बनाता है इसीलिए एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहे हैं, जितना ये लाइन उठ रहा है, जितना ये सीढ़ी उठ रहा है जमीन से, उसी को तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, है ना। इफ द फुट ऑफ द लैडर इज केप्ट फिक्स्ड ऑन द फ्लोर एंड इट इज मेड टू लीन अगेंस्ट द ऑपोजिट वॉल ऑफ द रूम। अब बोल रहा है कि इसको हम यही रखेंगे, इस पॉइंट को यही रखेंगे, लेकिन सीढ़ी को उठा के यहां पर एक और दीवार है, ठीक है। मान लेते हैं यहां पर एक और सुंदर सा सीधा सा दीवार है सर, ठीक है। इस सीढ़ी को इधर से उठाया और हम लोगों ने इधर रख दिया। अब जब सीढ़ी को हम लोगों ने इधर रखा, तो वो जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है सर, वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है सर, बिल्कुल सर। अब देखिए यहां पे अगर लैडर का हाइट 6 मीटर था तो यहां पे 10 मीटर हो जाएगा क्या सर? नहीं सर, नहीं होगा सर, सेम ही रहेगा। तो इसको भी हम लोग लिख देते हैं कितना सर, 6 मीटर हमारा यहां पे भी दे दिया है, ठीक है। हाँ, विद द फ्लोर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल्स ऑफ द रूम। सर इस दीवार और इस दीवार के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमको निकालना है सर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं सर। आपको हाइट ऑफ द वॉल भी नहीं पूछा है, कुछ नहीं पूछा है, बस बेस आपको निकालना है। बेस क्यों बोल दिए सर, क्योंकि देखिए ये अगर हमारा थीटा है, गिवन एंगल है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के एडजेसेंट वाला, गिवन एंगल का एडजेसेंट होता है बेस, वही तो हम लोगों को पता है। और ये 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेन्यूज जो हमको गिवन है सर, ठीक है। अब आप बोलिएगा सर कि हमेशा हम लोग 10 थीटा लगाते थे, 10 थीटा क्या होता है सर, परपेंडिकुलर बाय बेस होता था, ठीक है। लेकिन इसमें परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन है क्या? नहीं सर, इसमें हाइपोटेन्यूस और बेस का रिलेशन है। क्यों सर? क्योंकि आपको हाइपोटेन्यूस गिवन है, बेस निकालना है, तो इसमें कौन सा लगा देंगे? देखिए सर कौन सा लगाएंगे, हम लोग पढ़ते थे अपना क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना, एच कैपिटल ही रखिए क्योंकि सारे कैपिटल है, सोना चांदी तोले, सोना फॉर साइन, चांदी फॉर कॉस, तोले फॉर 10 थीटा, यही होता था, है ना। कॉस क्या है सर? बी बाय एच, बी बाय एच, बेस बाय हाइपोटेनियस। और कहीं बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन है क्या? नहीं सर, सिर्फ कॉस में है, तो कॉस लगा देंगे भैया, सिंपल सा, है ना। पहले मान लेते हैं क्या, लेट ए बी, ए बी एंड सी डी बी द, बी द बोलिए ना सर, बी द वॉल्स, है ना, एंड ओ बी द पॉइंट, ठीक है, ओ ही ले लेते हैं, अच्छा लग रहा है सर, इसी ले लिया, और कोई बात नहीं है। लेट लिखिए, लेट ए बी कॉमा सी डी बी द, सिर्फ कॉस रहने दे, ठीक है, बी द वॉल्स, वैसे नहीं भी रहने देंगे तो आप लोगों को तो याद ही होगा कि कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, क्या पता मैं भूल जाऊं, इसीलिए मैंने अपने ले रखा है, आप लोग मत लिखिए, ठीक है। हाँ सर, एंड एंड बी डी, एंड बी डी बी द डिस्टेंस बिटवीन दैम, या सिर्फ डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। ज्यादा नहीं लिखना है क्योंकि हम लोगों ने फिगर में दिखा दिया। अब नाउ फ्रॉम फिगर, भैया फिगर में हमको क्या दिख गया सर? फिगर में हमने अभी बोला कि बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन है, तो भैया कॉस लगा दीजिए मुंह बंद करके, ठीक है सर, कॉस लगा देते हैं। अब कॉस थीटा यानी कि कॉस कौन सा, ओ लेते हैं, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल तो लिए नहीं, पहले ए बी सी, ए बी ओ ले लेते हैं, ए बी ओ ट्राइंगल उठा लेते हैं, ठीक है। ए बी ओ ट्राइंगल में कॉस ओ क्या हो जाएगा? कॉस ओ हो जाएगा सर बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस क्या है? बी ओ, ठीक है, बाय हाइपोटेनियस क्या है हमारा? ए ओ, ठीक है ना सर, बिल्कुल सर। बी ओ का वैल्यू दिया है क्या? नहीं। ए ओ का वैल्यू दिया है क्या? बिल्कुल दिया है सर, 6 मीटर, बी ओ ही तो निकालना है। कॉस ओ, ओ क्या है यहां? 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री, ठीक है सर, कोई दिक्कत इसमें? अगर दिक्कत है तो अभी बोल दीजिए, अभी मैं बंद कर दूंगा। नहीं है ना? नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। तो cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है सर? अब आप बोलिएगा 1/√2 होता है सर, जो sin 45 वही cos 45, sin 45 होता है 1/√2, तो ये भी हो जाएगा 1/√2,
रूट 2 इज इक्वल टू बी ओ बाय 6. ओके ओके सर, बहुत ओके सर. अब ये देखिए, बी ओ का हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है. हाँ, तो बी ओ हमारा क्या हो जाएगा, बी ओ हो जाएगा. देखिए सर, हम बी ओ क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर हम ये निकाल लें और इसका बेस निकाल लें, दोनों के बेस को ऐड कर दें, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा ना सर, यही तो निकालना है, बी डी, है ना सर. अब देखिए, ये बी ओ इधर यहां डिवाइड में 6, यहां के मल्टीप्लाई में, यानी कि बी ओ इज इक्वल टू हो जाएगा 6 अपॉन रूट 2. इसको रैशनलाइज कर दीजिए, रूट 2 इंटू रूट 2 बाई रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. क्यों करेंगे सर रैशनलाइज, क्योंकि सर अगर रूट 2 का वैल्यू हम नीचे रखें तो डिवाइड करने में मुश्किल होगा पॉइंट को, है ना, लेकिन मल्टीप्लाई करने में आसान होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कर दिए, रैशनलाइज कर दिए सिंपली, ठीक है सर. हाँ सर, जल्दी से कर दीजिए सर, रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 का स्क्वायर होता है, तो रूट 2 का स्क्वायर लिख दीजिए यार, आप डायरेक्ट 2 भी लिख सकते थे, 6 इंटू रूट 2, 6 इंटू रूट 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर. यहाँ क्या है, बी ओ है हमारा ऑलरेडी रखा हुआ, तो बी ओ इज इक्वल टू हो जाएगा 2 बाय 6 रूट 2, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर, क्या दिक्कत होगा. अब 2 3 जा 6 होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर. अब देखिए सर, बी ओ इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 रूट 2 आ गया सर. आप इसको यहां पे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप अगर देखें तो रूट 2 का वैल्यू क्या होता है सर, 1.412 होता है, रूट 3 का 1.732 होता है, लेकिन यहां पे रूट 2 हमको देखना है, रूट 2 का वैल्यू यहां नहीं बोला है ना क्वेश्चन में, तो नहीं भी रखिएगा तो भी आपका आंसर सही आएगा, लेकिन हम लोग रख के बनाएंगे, क्योंकि आपके आर एस एक्स वाले बनाया है, तो अभी इसको सॉल्व नहीं करते, डायरेक्ट पुट करेंगे तो सॉल्व करेंगे. अब देखिए, इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल सी ओ डी, सी डी ओ या सी ओ डी कुछ भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है ना. हाँ, अब फिर से कॉस लगाना पड़ेगा, क्योंकि बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन है, तो कॉस डायरेक्ट लिखते हैं इस बार 60 डिग्री, इसको लिखे हैं, ठीक है. इसका देखिए सर, हम बोले बेस बाय हाइपोटेनस, बेस क्या है सर, बेस है आपका डी ओ, हाइपोटेनस आपका 6 दिया है जो कि सी ओ है, ठीक है सर. हाँ, 6 ऊपर आ गया डी ओ, कॉस 60 डिग्री क्या होता है सर, जोर से बोल रहे हैं सर आप लोग, की हाफ होता है तो हाफ ही रख दीजिए, ठीक है. अब ये 6 इधर डिवाइड में रखे मल्टीप्लाई में, यानी कि डी ओ इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 मीटर्स, यहां पे भी मीटर लगेगा सर, ठीक है. हाँ सर, अब हमारे दोनों ट्राइंगल्स के जब बेस आ चुके हैं, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन द टू वॉल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ओ डी नहीं बी डी इज इक्वल टू बी ओ प्लस डी ओ, बी ओ प्लस डी ओ, ठीक है. हाँ, बी ओ का वैल्यू क्या आया सर, बी ओ का वैल्यू आया 3 root 2 यहां क्या आया 3 मीटर, ठीक है ना सर, कोई दिक्कत नहीं. कुछ अगर गलती हो रहा होगा तो आप लोग बता दीजिएगा. आप देखिए, 3 इधर भी 3 इधर भी, 3 को कॉमन आउट कर दीजिए ना सर, यहां क्या बचेगा रूट 2, यहां 3 निकाल लिए तो क्या बचा 1, रूट 2 का वैल्यू रखिए 1.414 प्लस 1, ठीक है, 1 प्लस 1 2, 3 इंटू 2.414. आप अगर इसको भी रख देते ना, कहां था यही वैल्यू था ना अपना, ये वैल्यू भी रखते इसमें मीटर लगा देते साथ में, तो भी आपका आंसर सही होता, कोई नहीं काटता उस आंसर को, मैं तो बिल्कुल नहीं काटता सर, कोई काटे कि ना काटे, ठीक है. अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कैसे सर, 3 4 12 कैरी 1, 3 1 3 प्लस 1 4, 3 4 12 2 कैरी 1, 3 2 6 प्लस 1 7, आपका 7.242 मीटर आपका आंसर आ गया सर. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30. चलिए बढ़ते हैं आगे.